हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल है आपके। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का मेकअप वीडियो देखे, डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फुल कवरेज फाउंडेशन रूटीन ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स के साथ, अफोर्डेबल एक्चुअली मेबेलिन के फिट मी प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि वो बहुत ईजीली अवेलेबल हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं तो आपको आसानी से मिल सकते हैं और अच्छे रेट पे मिल जाएंगे और कलर सिलेक्शन बहुत अच्छी है। तो मैंने सोचा कि मेबेलिन को ही लेके वीडियो बनाते हैं, क्योंकि जो मेरे पास में मैंने वीडियोस बनाए फुल कवरेज को लेके, वो आपने बहुत पसंद किए और बहुत सारे दोस्तों का कंसर्न है कि उनको वो प्रोडक्ट्स आसानी से नहीं मिलते हैं या महंगे हैं। तो मैंने सोचा कि एक अफोर्डेबल हो जाए वीडियो। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। और ऐसी ही और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे बता सकते हैं। सो या शुरुआत करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, सो सबसे पहले मैं लगाने वाली हूँ एम्ब्रॉलस की हाइड्रेशन क्रीम एज अ प्राइमर, ताकि हमारा जो फेस है मेकअप अच्छा हो। और आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाएं, मॉइस्चराइजर लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे तो अच्छा नहीं है। सो मॉइस्चराइजर को अच्छी तरह स्प्रेड कर लेते हैं। मॉइस्चराइजर को लगाने के बाद मैं सनस्क्रीन भी लगाने वाली हूँ। वैसे तो मैं जब मेरा स्किन केयर करती हूँ सुबह ही मैं लगा लेती हूँ सनस्क्रीन, बट आज दोबारा भी लगाऊंगी। सो मेबेलिन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मैं, शेड का नाम है 40 कैरमल। इसे ना मेरे स्कार वाले एरिया में लगाऊंगी, जहाँ पे भी स्कार है वहाँ पे, लाइक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, थोड़ी क्वांटिटी में, रेडनेस पे भी। इसी तरह मैं थोड़ा सा अंडर आई सर्कल्स पे भी लगा लेती हूँ। वैसे मेरे अंडर आई सर्कल्स बहुत बुरे नहीं हैं, पर फिर भी हम लगा लेंगे। हाँ, अब थोड़ी इसको देंगे हम 20-25 seconds सेट होने के लिए। तब तक मैं मेरी आईब्रोज़ फिल कर लेती हूँ। और मैं आईब्रोज़ के लिए मैंने एक कल वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसमें मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूँगी कि मैं कैसे फिल करती हूँ। ऑलराइट दोस्तों, सो आईब्रोज़ को बना लिया है मैंने। अब ये कंसीलर को लगे हुए काफ़ी समय हो गया, क्योंकि जो मेरा आईब्रो पेंसिल मैं यूज़ करना चाहती थी वो मुझे मिल नहीं रही थी। तो या अब इसको ये छोटा ब्रश लेके डैब डैब कर लेंगे। ये छोटा ब्रश है मॉर्फी का E7 और कंसीलर को हम उसकी जगह पर ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ी कवरेज ज़्यादा आएगी, और हमें कवरेज ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जब आप लगाते ही ब्लेंड कर लेते हैं तो उतर जाता है वो। और डैबिंग मोशन यूज़ करें, क्योंकि अगर डैबिंग नहीं करेंगे तो फिर वो रिमूव हो जाएगा और आपकी कवरेज उतनी अच्छी नहीं आएगी, जो हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट कम यूज़ करें और कवरेज ज़्यादा अच्छी आए। फेस हमारा पैची लग रहा है, बट डोंट वरी, हम इसे फिक्स कर लेंगे। आज मैं यूज़ करने वाली हूँ फिटमी का फाउंडेशन। और फिटमी के फाउंडेशन की जो ये बॉटल्स हैं मेरे पास 10 होंगी कम से कम, क्योंकि ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। पर अब मुझे पता नहीं वो कब आई थी, कुछ PR में आई थी, कुछ मैंने खरीदी थी, और मुझे अब उनकी एक्सपायरी नहीं पता, तो उनको यूज़ करने से डरती हूँ, क्योंकि एक्सपायर फाउंडेशन मुझे मेरे चेहरे पर लगाना बहुत स्केरी लगता है। मुझे मेरे चेहरे की स्किन ख़राब करने में बहुत डर लगता है। सो हम लेंगे अराउंड 1.5 पम्प है, सेम मॉर्फी के E7 पे लेंगे। सारे चेहरे पे हम स्प्रेड कर लेंगे। जो मैं शेड यूज कर रही हूँ वो है 228। वैसे ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो बचा हुआ मैं लगा लूंगी गर्दन पे ब्लेंड कर देंगे। ये ना शर्ट मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रही है, मैं चेंज करके आती हूँ ऐसे ही डॉटेड फेस में। आई विल बी बैक जस्ट अ मोमेंट। ऑलराइट, आई एम बैक, फीलिंग बेटर नाउ, क्योंकि उसकी फुल स्लीव्स है तो मुझे बहुत अजीब लगता है। सो मॉर्फी का ब्रश ले रही हूँ मैं, मॉर्फी E44, और इससे हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड हम डैबिंग मोशन में ही करेंगे, क्योंकि उससे कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ऑलराइट, बेसिकली मैंने लगाया है एक ही पंप और ऐसी कवरेज आ गई, और आई एम हैप्पी विद द कवरेज। और अब हम हमारे फेस को करेंगे हाईलाइट, उसके लिए भी हम मेबेलिन ही यूज़ करेंगे। जो मैं मेबेलिन का शेड यूज़ कर रही हूँ इस काम के लिए, उसका नाम है लाइट, क्योंकि हमें इस काम के लिए लाइट ही चाहिए। ओके, ज़्यादा काट लिया। सो इसे हम हमारे उस एरिया में लगाएंगे जिसे हम हाईलाइट करना चाहते हैं। इस स्टेप को आप टोटली स्किप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, पर इससे क्या होगा,
बहुत ज़्यादा हो गया। इससे क्या होगा कि आपका फेस हाईलाइट हो जाएगा, और बिकॉज़ ये मेबलिन का प्रोडक्ट है, अफोर्डेबल है, तो मैंने सोचा कि इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। इस काम के लिए भी मैं छोटा ही ब्रश यूज़ करूँगी और डबिंग मोशन में इसको ब्लेंड करना शुरू करेंगे और इस एरिया को कर लेंगे ग्लोई। हो सकता है कि मेरा चेहरा ज़्यादा ही ग्लोई हो जाए क्योंकि मैंने इस एरिया में ज़्यादा ही लगा लिया। सो वंस ब्लेंड हो चुका है, चेहरा बहुत ज़्यादा वाइट हो गया है। हम फाउंडेशन ब्रश के साथ इसको थोड़ा सा और सेटल करेंगे, बट डोंट वरी, हम इसको फिक्स करेंगे। आपको इतना ज़्यादा हाईलाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, मैं मेरे फेस को करूँगी थोड़ा सा ब्राउन्स बिकॉज हमने बहुत ही ज़्यादा कमाल का हाईलाइट कर लिया है, जिसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। हमने हमारा फेस कर लिया है चिट्टा, चिट्टा हमें नहीं चाहिए, चिट्टा मतलब कि सफ़ेद। ब्रश यूज़ करूँगी ऐसा, जो कि है मॉर्फी का और इसका नाम है Y11। सिटी ब्राउन्जर यूज़ कर रहे हैं मेबलिन का, क्योंकि ये मेबलिन का ही ट्यूटोरियल होने वाला है। इसे लेंगे हम हमारे ब्रश पे, टैप कर देंगे एक्सेस को, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे फेस पे फालतू चीज़ें आएँ, जैसे मैंने पहले कंसीलर लगा लिया है। अब हम हमारे फेस को रंग देंगे, पहले तो हम चिक बोन्स पे लगाएंगे और इसे करेंगे ब्लेंड अप तरफ, दिस तरफ, इसी साइड पे, हमारी चिन पे, डबल चिन पे। जितना हमने मेहनत हमारे फेस को चिट्टा करने में करी है, अब उसको ब्राउन करने में करनी पड़ेगी, इसीलिए हाईलाइट कम लगा ले। वैसे मैंने थोड़ा सा नैपकिन के साथ उतार भी दिया था, पर फिर भी ज़्यादा ही हो गया। हेयर लाइन पर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वाइट हेयर लाइन लगती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हमें चाहिए कि फ्लॉलेस दिखे, लाइक मास्क नहीं लगे कि चेहरे पर कोई मास्क लगाया है अलग से, तो इसलिए हेयर लाइन का कलर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा हम नोज़ पर भी कर लेंगे कॉन्टूर ब्रश के साथ ही, कोई ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करेंगे। सो फेस की शेप थोड़ी सी वापस आ गई है, इट्स ओके, थोड़ा सेटल हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अब बारी आती है फेस को सेट करने के लिए, बिकॉज हम मेबलिन यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी मेबलिन करेंगे, फिटमी का पाउडर। ये बहुत ही अच्छा लूज़ पाउडर है, ऐसा। जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो है लाइट, को मैं लूँगी इस ढक्कन में। एंगल ब्रश है मॉर्फी, ओके, दो ब्रांड का ट्यूटोरियल लेके, इस पर नंबर नहीं लिखा है, तो इसको पाउडर को लेके मैं सबसे पहले मेरे इस चिन एरिया को सेट कर लूँगी। इससे क्या होगा कि मेरा फेस सेट हो जाएगा और सारा दिन ऐसे ही रहेगा। और ये जो पाउडर है बहुत अच्छा है, फाइन लाइन्स में भरता नहीं है, तो इसी तरह मैं मेरी चिक एरिया को भी कर लूँगी, बेसिकली उस सारे एरिया को जहाँ पे मैंने डार्क पाउडर नहीं लगाया है। डार्क वाला तो डार्क से सेट हो गया, पर जहाँ डार्क नहीं लगा है वहाँ लाइट लगे। इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने देते हैं, थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए वो। और अब बारी आती है हमारी आईज़ की। आई मेकअप करने के बाद मैं वापस आती हूँ और डिस्कस करते हैं कि हम हमारे फेस के साथ और क्या कर सकते हैं, लाइक और क्या करें इसको मज़ेदार बनाने के लिए। और अब हमारी लुक डन है, अब हम स्प्रे करेंगे ताकि ये सेट हो जाए। सो यस, हमारा फेस मेकअप तैयार हो चुका है। अब देख सकते हैं कि हमने सारे ड्रग स्टोर प्रोडक्ट किए यूज़। वैसे हमारे फेस को कंसील करने के लिए सिर्फ हमने कंसीलर, फाउंडेशन एंड सेटिंग पाउडर यूज़ किया है, तो हमारा फेस अच्छी तरह कंसील हो चुका है। ये फेस मेकअप की वीडियो के साथ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। मैं मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू आर द ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, यू गाइस कैन डू एनी freaking thing. All you have to do is think about it and take action. That's it. Easy peasy lemon squeezy. Bye, Lalu.
Thank you.